हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये ओपन सर्किट पर बेस है। ओपन सर्किट क्या होता है और साथ ही आपको इसमें मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर करने के बारे भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी। तो ये जो मिक्सर है ये चल नहीं रहा है। जब हम इसे सीरी टेस्ट बोर्ड से चेक कर रहे हैं तो ये सर्किट ओपन शो कर रहा है। उम्मीद है आपको सीरी टेस्ट बोर्ड के बारे में अब तक पता ही लग गया होगा मेरी पिछली वीडियो देख के। तो हम इसे जब चेक कर रहे हैं तो ये ओपन सर्किट शो कर रहा है। इन दो पिनों पर जब हम लगा रहे हैं सीरी टेस्ट बोर्ड की लीडें तो बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब हम इसे खोल कर चेक करेंगे अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये इसके नीचे की ओर चार स्क्रू लगे हैं, हम इन्हें खोलेंगे। तो जब हम इसे खोलेंगे तब एक बार फिर से हम सीरीज टेस्ट बोर्ड से इसे चेक करेंगे। इसकी जो ये लीड है ये सप्लाई पहुंचा रही है या नहीं। तो इसकी लीड में से दो तारें बाहर हैं, मतलब ये टू कोर लीड है। और जो मेन फेस वायर है वो सीधे स्विच के मेन टर्मिनल में जा रही है। स्विच का मेन टर्मिनल एक तरफ होता है, आपको देखकर पता लग जाएगा जब आप खोलकर इसे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेन तार गई है और बाकी की आउटपुट तीन सप्लाई वायर जो है ये अलग अलग स्पीड के लिए है। और दूसरी जो न्यूट्रल वायर है वो सीधे फील्ड कॉइल में गई है, मोटर की फील्ड कॉइल में। और तार तो कहीं से टूटी हुई नहीं दिख रही है। और अब हम इसके जो कार्बन ब्रश है उन्हें चेक करेंगे। इसके जो कार्बन ब्रश होते हैं वो कम्यूटेटर के साथ टच होते हैं, उनके पीछे स्प्रिंग लगा रहता है जिससे कम्यूटेटर पर दबाव बना रहता है। ये पेंसिल के सिक्के की तरह होते हैं, घिस जाते हैं बहुत लंबे समय तक मिक्सी के यूज़ करने पर। ये चेंज हो जाते हैं दोस्तों, सस्ते मिलते हैं, आप इन्हें घर पर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी तरह से कम्यूटेटर के साथ टच हो रहे हैं। और अब हम सीरीज टेस्ट बोर्ड से चेक करेंगे इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं। तो एक तार को हम प्लग की एक पिन के साथ लगाएंगे और दूसरी को हम मेन फेस के साथ। ये देखिए ये जल रही है, मतलब एक कोर इसकी एकदम सही है, फेस इस तक पहुंच रहा है। और दूसरी वाली कहीं से टूटी हुई लग रही है क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं आ रही। तो यही फ़ायदा है सीरीज टेस्ट बोर्ड का, रिपेयर में बहुत काम आता है। ये देखिए जब हम सीरीज टेस्ट बोर्ड की एक तार को प्लग की न्यूट्रल के साथ और दूसरी तार को कार्बन ब्रश है वहाँ पे टच करेंगे तो बल्ब जलना चाहिए था, ये नहीं जल रहा, मतलब न्यूट्रल ब्रेक है, सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन का यही मतलब है कि तार कहीं से टूटी हुई है, दोनों में से न्यूट्रल है फेस कोई भी टूटी हुई हो सकती है और सप्लाई नहीं पहुंच रही है इसलिए ये नहीं चल रही है। ये तार अंदरूनी तौर पर कहीं से ब्रेक है जो देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगती है, कहीं से टूटी हुई नहीं दिखती, इसीलिए सीरीज टेस्ट बोर्ड की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और ये जो कम्यूटेटर है आर्मेचर का, इसे भी घुमाकर चेक कर ले कहीं से सेगमेंट इसके टूटे हुए तो नहीं। ये बिल्कुल ओके है, ये देखिए देखने से ही पता चल जाता है कहीं से काले नहीं हुए या टूट नहीं गए हैं। तो अब इसे चलाकर देखेंगे। अब हम इसे पैरेलल सप्लाई देंगे डायरेक्ट
और यहाँ से हम न्यूट्रल वायर को छील देंगे और एक मेन हम यहाँ पे देंगे स्विच के मेन फेस पे और स्विच को पहले ऑन कर देंगे। ये पियानो टाइप स्विच है, ये ज़्यादातर टेबल फैन मिक्सर वगैरह में लगे होते हैं। इसके एक तरफ मेन फेस का टर्मिनल होता है और दूसरी तरफ अलग अलग स्पीड के लिए इसमें टर्मिनल होते हैं। तो हमने देखिए न्यूट्रल को यहाँ आगे से छील लिया है। आप नई कॉर्ड इसमें अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ से इन दोनों तारों को काट कर अच्छी तरह से जॉइंट करके स्लीव वगैरह चढ़ा के टेप कर सकते हो। तो अब हम मैं इसे आपको चलाकर दिखाऊंगा कि जो मेन फॉल्ट था वो इसकी कॉर्ड का ही है। तो अब इसे सीरीज से नहीं चलाएंगे हम इसे पैरेलल सप्लाई देंगे जो नॉर्मल सॉकेट में होती है। इसके प्लग को हम सॉकेट में नहीं लगाएंगे, एक तार को हम वहाँ लगाएंगे न्यूट्रल पे जहाँ से हमने इसे छीला है और दूसरी तार को हम स्विच के मेन फेज टर्मिनल पर लगाएंगे। ये जो स्विच है इसका ये टर्मिनल है जहाँ पे फेस वायर गई है। तो आप देखिएगा मिक्सी चल पड़ेगी क्योंकि फॉल्ट जो है इसका कॉर्ड का ही है। तो इस पावर कॉर्ड को आप घर में ही अपने आप चेंज कर सकते हो। इसे चेंज करने के लिए यहाँ से निकालेंगे इस तरह से और यहाँ से दोनों तारों को काट लेंगे और नई पावर कॉर्ड को अच्छी तरह से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे अलग अलग और अच्छी तरह से इंसुलेटेड टेप कर देंगे ताकि फेस न्यूट्रल आपस में टच ना हो।